मैं कहना चाहता हूं बिलावल साहब, आज आप सूफियों की धरती मुल्तान के अंदर थोड़ी देर पहले आप गाड़ी के ऊपर खड़े होकर तकरीर कर रहे थे, आइए जरा हिम्मत है तो सुबह सिंध के ग्राउंड पे बाहर निकले, पक्का किले पर आके जवाब दें। हमें आपसे जवाब चाहिए कि हमारी सकाफत का कत्ल आपने क्यों किया। आप हमारे सेहत के कातिल हो, आप सिंध के अवाम की सकाफत के कातिल हो, आज सिंध के अवाम की तालीम के कातिल हो। पीपल्स पार्टी आज यहाँ मौजूद है हैदराबाद में, हर तरफ लोग कहते हैं कि किले का दरवाज़ा, मैं इसकी वीडियो शेयर करता हूँ, इसको मजदूरों के जरिए तोड़ दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ सकाफत एक निशानियाँ होती हैं, एक शनाख्त होती है, इलाके की शनाख्त होती है, कौम की शनाख्त होती है। तो मैं सबको दिखाना चाहता हूँ ये पक्का किला, जो जिसका एक बहुत बड़ी बहुत ये 6 फुट चौड़ी इसकी दीवार है, बड़ी तारीखी, इस पर मेहराब है, इसके ऊपर बहुत बड़ा गेट था और इन्होंने इसको तोड़ा है। हम समझ सकते हैं कि ये जो करप्शन की खातिर, अरबों रुपए की करप्शन की खातिर जो इन्होंने सिंध की सकाफत को तबाह किया है, सिंध की सकाफत की तबाही की जिम्मेदारी भी सिंध को जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, बिलावल जरदारी हैं, मुराद अली शाह हैं और इनके वजीर सकाफत के वजीर और इनके कनासरों और ये भुट्टो साहब हैं, कोई ठेकेदार साहब हैं। इसके ऊपर हम नैब में भी इंशाल्लाह जाएंगे और हम के इनके खिलाफ यहाँ हैदराबाद में इनके लोगों को पता चलना चाहिए, ये हैदराबाद के भी दुश्मन हैं, ये कराची के भी दुश्मन हैं, ये लाड़काना के भी दुश्मन हैं, ये मीरपुर खास के भी दुश्मन हैं। और इन्होंने किया क्या है, कभी लॉकडाउन लगा देते हैं, कभी ये कह देते हैं कि जी हमें तो सिंध में हमने तहरीक निकालनी है। आइए बिलावल साहब तहरीक निकालें, अपने खिलाफ निकालें, तहरीक निकालनी है तो अपनी हुकूमत के खिलाफ निकालें, जिन्होंने सिंध को कराची शहर को गटरिस्तान बना दिया, जिन्होंने कराची को गंदा दुनिया का 10वां गंदा तरीन शहर बना दिया। इस दफ़ा कम बारिश आई उसके अंदर भी हमने डूबते हुए देखा। और वफाक ने जो वादा किया था, वफाक ने वादा किया था 1100 अरब में से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहना चाहता हूं कि वो जो 3 नाले बड़े थे उसको वफाक ने 35 अरब से उसको साफ करवाया और अभी 33 किलोमीटर रोडें भी बनेंगी। 12 साल और 12 अरब, 12 साल के K4 जो के शहर कराची को पानी देने का प्रोजेक्ट था, 12 साल में ना K4 बना, 12 अरब रुपए खा गए। 12 साल बाद पिछले साल जब से हमने हवाले किया है K4 शहर कराची को पानी का तोहफा भी इमरान खान साहब देंगे। मैं कहता हूं शुक्रिया इमरान खान, शुक्रिया कप्तान कि 12 साल में एक बूंद पानी नहीं दिया, 12 अरब रुपए खा गए और अब K4 का तोहफा भी इमरान खान साहब दे रहे हैं। भापड़ा ने काम शुरू कर दिया है, इंशाल्लाह अक्टूबर में कराची में ग्रीन बस चलती हुई नजर आएगी। इन्होंने पूरे 13 साल में एक बस नहीं दी, पता नहीं दादा आदम के जमाने की है, करोड़ों के जमाने की बसें चल रही हैं कराची में और उसके बाद और हैदराबाद में भी चिंचियों पर लोग गुजारा कर रहे हैं। ग्रीन लाइन शहर कराची में नजर आएगी, फ्रेट टर्मिनल अगले महीने उसका काम शुरू हो जाएगा, KCR का काम शुरू हो जाएगा। इमरान खान साहब ने जो बात की थी वो साफ नजर आ रही है, हेल्थ कार्ड्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में दिए जा रहे हैं। सिंध के अंदर मैं सिंध हुकूमत से पूछता हूँ हेल्थ कार्ड देने में क्या तकलीफ है आपको, आप क्यों नहीं चाहते? या तो आपके सेहत की सहूलियात ऐसी हों, सेहत की सहूलियात भी ऐसी नहीं है, सिंध के अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ कि हम हेल्थ कार्ड देना चाहते हैं लेकिन सिंध हुकूमत को अपना शेयर देना पड़ेगा हेल्थ कार्ड देने के लिए। एहसास के अंदर 260 अरब रुपए पूरे पाकिस्तान में दिए गए, 65 अरब रुपए सिंध के अंदर दिए हैं। मैं कहना चाहता हूं ये हुकूमत जो हमारी सेहत, हमारी एजुकेशन, हमारी सकाफत सबकी जिम्मेदार है उसको समझ सकते हैं कि ये सिंध दुश्मन हुकूमत है। एक और चीज़ ये मैं जो कहता हूँ कि ये सिक्योरिटी रिस्क है तो मैं उसको साबित करूँगा। जब कोई इस किस्म का मामला आता है, पानी शॉर्ट हो जाए, ये कहते पंजाब ने पानी चोरी कर लिया, वफाक ने पानी चोरी कर लिया और एक अलग अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाना चाहते हैं। जब इनका कोई बयान अनवर सियाल साहब आके वो सिंध कार्ड खेलने की बात करते हैं, बारिश का मसला हो सिंध कार्ड खेलने की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि सिंध हुकूमत लॉकडाउन जब लगाते हैं उसके अंदर भी सिंध कार्ड खेलने की बात करते हैं। NFC अवार्ड के तहत इन्हें माल चाहिए लेकिन PFC अवार्ड इन्होंने नहीं देना। तो इंशाल्लाह पूरे सिंध में हम एक भरपूर इनके खिलाफ आवाम को बाहर निकालेंगे, तहरीक चलाएंगे, इनको इकट्ठा करेंगे ताकि ऐसे नाअहल, नाकारा और चोर हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई हो सके। YouTube पर गूगली TV देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में गूगली TV टाइप करें। गूगली TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।